पाइल्स की बीमारी में, जिसे हम हिमोरॉइड्स कहते हैं या बवासीर भी कहते हैं, इसमें ऑपरेशन कर लेना चाहिए क्या? पाइल्स की अगर तकलीफ है तो सर्जरी करने से ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा? ऐसा सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं पाइल्स की समस्या से, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, उनकी डेली एक्टिविटीज़ करने में भी उन्हें तकलीफ़ होती है, और इसीलिए वो थक के हार के चाहते हैं कि एक बार ऑपरेशन कर ले। तो क्या पाइल्स का ऑपरेशन कर लेना चाहिए? ये सवाल अगर आपके भी दिमाग में है तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें ऑपरेशन करना चाहिए और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ये भी बात आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपके बीमारी से संबंधित काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ, इसीलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। पाइल्स की बीमारी में क्या सर्जरी ये आखिरी इलाज है? क्या ऑपरेशन कर लेना चाहिए? बहुत बार जो मेरे पास पेशेंट आते हैं काफ़ी थक जाते हैं, दवाई लेते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ खुद के मन से दवा लेते हैं और तकलीफ़ थोड़ी देर के लिए अच्छी लग हो जाती है, परेशानी कम हो जाती है, उनको अच्छा लगने लगता है, वो टाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस से तकलीफ़ होने लगती है और फिर उनके दिल में यह सवाल आता है कि क्या अभी ऑपरेशन कर लेना चाहिए। पाइल्स की सर्जरी में करते क्या है? पाइल्स की सर्जरी में जो मस्सा दिखता है उसे कट कर देते हैं, उसका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन अगर कारण परसिस्टिंग है, अगर कारण के ऊपर काम नहीं किया गया है, तो आपको ये समस्या वापस से हो सकती है। और इसीलिए बवासीर क्या है इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार में सर्जरी करनी चाहिए, ये हमने समझना चाहिए। बवासीर के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसे हम कहते हैं अंदरूनी बवासीर, यानी कि इंटरनल हिमोरॉइड्स। इसमें क्या होगा, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको मस्सा बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदरूनी बवासीर इसी को हम कहते हैं, अंदर से मस्सा हो सकता है और जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। दूसरा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं बाहरी बवासीर, यानी कि एक्सटर्नल पाइल्स। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से बाहर से मस्सा इसमें दिखता है, तो ये जो होता है ये होता है एक्सटर्नल बवासीर। तीसरा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, या फिर प्रोलैप्स जिसमें होता है इस तरह का बवासीर, इसमें आपकी लैट्रिन की जो जगह है वो पूरी तरह से बाहर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। चौथा प्रकार होता है खूनी बवासीर, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, ये जनरली इंटरनल बवासीर में भी होता है, इसमें काफ़ी ब्लीडिंग होने लगता है। ये हो गए बवासीर के चार प्रकार। इसी तरह से हम इसके ग्रेड के बारे में भी समझते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि कौन से ग्रेड में आपने ऑपरेशन करना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, अंदरूनी नलिका के अंदर हल्की सी सूजन होती है, ये फर्स्ट ग्रेड में होता है। आपको बहुत ज़्यादा मस्सा या इस तरह की चीज़ आपको बाहर से नहीं दिखेगी, अंदर से सूजन रहेगी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ग्रेड। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, आपने थोड़े से परहेज़ कर लिए, खान पान में थोड़ा करेक्शन कर लिया, तो आपको ये तकलीफ़ कम हो जाएगी। सेकेंड ग्रेड पाइल्स में क्या होता है, सेकेंड ग्रेड पाइल्स में स्वेलिंग ज़्यादा होती है, यानी कि सूजन ज़्यादा होती है, साथ ही मलत्याग करते समय जोर लगाना पड़ता है, आपको तकलीफ हो सकती है, मलत्याग करने के बाद में भी काफ़ी देर तक आपको बर्निंग हो सकती है। कभी कभी सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा मस्से के जैसा भाग आपको लैट्रिन की जगह पर दिख सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये अंदर चले जाता है। सो कुछ देर के लिए तकलीफ़ रहेगी, मस्से के जैसा भाग दिखेगा, जलन रहेगी, कंस्टिपेशन रहेगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा, ये हो गया सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, जो मस्सा होता है उसके साथ साथ कभी कभी खून भी निकलने लगता है, मस्सा आपको बाहर लगने लगता है, हाथ को भी आप फील कर सकते हैं, और साथ ही जो बड़ी बात थर्ड ग्रेड में होती है वो होती है जो मस्सा है ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जाएगा, आपको हो सकता है लैट्रिन के बाद हाथ से इसको अंदर लौटना पड़े। सो थर्ड ग्रेड में तकलीफ़ें ज़्यादा रहेगी, दर्द ज़्यादा रहेगा, कंस्टिपेशन भी रहेगा, मस्सा बाहर की तरफ आपको दिखेगा, अंदर हाथ से लौटना पड़ेगा, जलन हो सकती है, आपको बैठने में भी तकलीफ़ हो सकती है। अब समझते हैं पाइल्स का ग्रेड नंबर 4, इसमें क्या होता है। पाइल्स के ग्रेड नंबर 4 में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को टॉयलेट को जाने के लिए भी डर लगने लगता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, वो अंदर से डर जाते हैं, साथ ही इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, खून ज़्यादा प्रमाण में निकल सकता है, मस्सा हो सकता है जिस तरह से बाहर आया है, आप उसे हाथ से लौटने की कोशिश करें फिर भी वो अंदर न जाए, और कभी कभी ये मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं, और कभी कभी ये मल्टीपल मस्से भी वहाँ पे होते हैं, बहुत सारे मस्से भी वहाँ पे हो जाते हैं, लैट्रिन की जगह पूरी तरह से ढक जाती है।
ऐसी अगर तकलीफ़ है, अगर सीवियर आपको ये तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में है और खून अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसे में आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है और दवाई लेने के बावजूद भी ये कम नहीं हो रहा है, तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। आपका पाइल्स का कौन सा ग्रेड है ये समझ लेना चाहिए। अगर फोर्थ ग्रेड है, दवाई के बाद में भी कम नहीं हो रहा है, तो फिर आपने उस वक्त ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ ही आपने याद रखना चाहिए कि आपके जीवन शैली में भी आपने बदलाव करने चाहिए। ऐसा देखा गया है कि होम्योपैथी में ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री तक के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। ग्रेड फोर में भी होम्योपैथिक दवा से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी पेशेंट इससे दुरुस्त हुए हैं। लेकिन ज़रूरत होती है दवा के साथ साथ खान पान में आपके बदलाव की, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपको दवा के साथ साथ खान पान में भी परिवर्तन करना चाहिए। याद रखिए, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपके खान पान से संबंधित बीमारी है, और इसीलिए काफ़ी पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके एक बार दो बार सर्जरी होने के बावजूद भी तकलीफें हो जाती है। इसका मतलब आपका ऑपरेशन फेल हुआ ऐसा नहीं है, या डॉक्टर ने बराबर तरीके से ऑपरेशन नहीं किया ऐसा भी नहीं है। हो सकता है उस वक्त वो ऑपरेशन अच्छे से किया गया है, वो मस्सा अच्छे से कट किया गया, लेकिन आपने इसके कारणों की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसीलिए ये समस्या आपको फिर से हो गई। तो क्या आपने करना चाहिए, यही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको कब्ज़ को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कब्ज़ इस बीमारी का रूट कॉज है, जड़ है। कब्ज़ को आपको दूर करना पड़ेगा, और इसीलिए आपने फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, हरी सब्ज़ियाँ आपने बहुत ज़्यादा खानी चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ काम की गड़बड़ी में पानी पीना भूल जाते हैं, आपको पानी के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, भरपूर पानी आपको पीना है। साथ ही खाने पीने में आपको तेल की चीज़ें, मसाले की चीज़ें, तली हुई चीज़ें पूरी तरह से कम कर देनी है, जिससे भी आपका डाइजेशन ख़राब हो ऐसी चीज़ों को आपने नहीं खाना है। साथ ही आपको और एक बात याद रखनी है, आपका वज़न भी आपने नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित रूप से आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और खान पान में कुछ विशेष पदार्थों का सेवन आपने ज़रूर करना चाहिए, जैसे ओट्स, मक्का, अंजीर, पपीता, केला, जामुन, इन सभी चीज़ों को याद रखिए, लिख लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अखरोट, बादाम, आपको इनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, आपका लैट्रिन जो है वो हार्ड नहीं होगा, कंस्टिपेशन की अगर तकलीफ़ आपको है तो वो तकलीफ़ पूरी तरह से कम हो जाएगी, जिससे आपकी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर भी कम होगा। और आपने क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपने याद रखना है मैदा, जंक फूड, धूम्रपान अगर आप करते हैं तो वो आपने बंद करना चाहिए, मसालेदार चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स आपने कम करने चाहिए, आप अगर शराब का सेवन करते हैं तो वो भी आपने छोड़ देना चाहिए। इन छोटी छोटी डाइट की चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से अच्छे हो सकते हैं। याद रखिए, ऑपरेशन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। कौन से ग्रेड का पाइल्स आपको है वो देखिए, सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कीजिए, सही तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। सही डॉक्टर से, सही तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में हमारे जीवन शैली में अगर आप बदलाव करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, तो डेफिनेटली ये बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो याद रखिए, कोई भी दवाई गोली आपको अपने मन से नहीं लेना है, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। खुद के मन से कोई भी दवाई नहीं है, अच्छे से डॉक्टर को दिखा के उसके बाद ही ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आप इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।